फाइनली फ्रेंड बीजीएमआई जो है वो इंडिया के अंदर वापस आ चुका है, लेकिन यार ये वाली प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, मेरे डिवाइस के अंदर भी आ रही है। देखिए सर्वर से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने बाद आप इस प्रॉब्लम को ना 101% फिक्स कर पाओगे और किस तरीके से आपको सर्वर से कनेक्ट करना है A to Z इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई ओके का ऑप्शन आ रहा है और ना इसको मिनिमाइज करने का आ रहा है, सिर्फ बस वो जो यहाँ पर सर्वर का ऑप्शन पहले आता था वहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको अपना रीसेंट मेन्यू ओपन करना है। रीसेंट मेन्यू ओपन करने के बाद BGMI को एक बार आपको यहाँ से रीसेंट बार से जो है क्लियर कर देना है। ये हमारा BGMI जो है क्लियर हो चुका है। अब हमारा BGMI क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपली नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद या तो एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कीजिए या फिर आप एक बार मोबाइल डाटा ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल डाटा को ट्राई करते हैं और उसके बाद हम जो है फ्लाइट मोड वाला मेथड भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है हमारा BGMI ओपन। अभी मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ और वापस से ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे सामने जो विंडो आ चुका है क्राफ्टन स्टार्टिंग का, और अभी इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिला हुआ है। तो अभी देखिएगा कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए अनेबल टू कनेक्ट सर्विस प्ले डिफरेंट नेटवर्क, तो ये चीज़ आ रहा है, इसको आपको एक बार ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फेसबुक लॉगिन पे एग्री कर देना है, और एग्री करने के बाद ये आपको फेसबुक में रीडायरेक्ट करेगा। सिंपली आपको इसको ओके कर देना है, तो ये जो आपका फेल आएगा, ये देखिए यहाँ पर फेल आ चुका है क्योंकि हमने इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वापस से इसको ना इंटरनेट का एक्सेस जो है वो इनेबल कर देना है। तो ये मैं इसका इंटरनेट एक्सेस जो है वो इनेबल कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने इंटरनेट का एक्सेस इसका इनेबल कर दिया। वापस से ये जो गेम हमारा जो रिस्टार्ट हो रहा है, और अभी देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स हमारे सामने आ रहा है, और कुछ देर बाद में देखिए 7 MB का हमें वापस से ये अपडेट शो कर रहा है। तो हम इसको एक बार के लिए अपडेट कर लेते हैं। तो ये 5G की स्पीड 7 MB का ईजिली हो चुका है। अभी आपको वापस से ओके कर देना, और वापस से ओके करने के बाद गेम एक बार और रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा और हम वापस से इसको लॉगिन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से हमारे पास विंडो आ चुका है, और विंडो आने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट और वापस से एरर आ चुका है। तो क्या करना है, एक बार वापस से डिस्कनेक्ट कीजिए यदि बार बार एरर आता हो। अब हम फ्लाइट मोड करते हैं, ये हमने फ्लाइट मोड किया, और वापस से एक बार गेम को हम क्या करते हैं मिनिमाइज़ करते हैं। तो वापस से मैं रिसेंट बार में आता हूँ, और रिसेंट बार ये गेम को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वापस से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम वापस से ओपन कर रहे हैं, और नेटवर्क एक्सेस हमने इसका डिनाई कर दिया था। अभी सर्विस डिफरेंट कार है, आपको ओके कर देना है। फेसबुक लॉगिन पे वापस से आपको क्लिक कर देना है, फेसबुक आईडी चूज कर देना है, और एक बार आपके सामने फेल आ चुका है। फेल आने के बाद अब मैं एक बार देख लेता हूँ भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। तो अभी मैं वापस से फ्लाइट मोड को डिसेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं वापस से फेसबुक से इसको लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। एक नंबर वाला फेसबुक मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, और चूज़ करने के बाद अभी देखिए ये कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं मेरी आईडी से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद अभी देखिए हमारा BGMI जो फाइनली ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड ये ट्रिक आपको अपने डिवाइस के अंदर लगानी है, और आपका BGMI जो फाइनली ओपन हो जाएगा। और ये कलेक्ट वगैरह बोल रहे, तो मैं कलेक्ट वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि यार थोड़ी सी ओल्ड है मेरी भी ये वाली आईडी। सो कुछ इस तरीके से आप जो है BGMI को यहाँ पर ना प्ले कर पाओगे, और वापस से इसके सर्वर से आप कनेक्ट हो पाओगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।